जनाब आप सभी के लिए एक खास नई खुशखबरी, एक बेहतरीन मौका, एक बेहतरीन विकल्प। आपको ये बता दे, एक खास नवरात्रि स्पेशल नई स्कीम आपको बहुत जल्द यमुना अथॉरिटी की तरफ से, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नंबर ऑफ प्लॉट्स, जी हाँ, नई रेजिडेंशियल स्कीम का एक खास बेहतरीन मौका आपको मिलने वाला है। क्या स्कीम है, क्या कुछ है, बहुत जल्द हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का पहले जोरदार स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे भाई बंधु जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। जो पहली बार आए हैं चैनल से जुड़ जाएं और हर खास स्कीमों से अपडेशन इस क्षेत्र का प्राप्त करते रहे। जनाब जैसा कि हम सबको पता है कि आरपीएस 08 2024 की स्कीम, जिसमें मात्र 361 नंबर ऑफ प्लॉट्स और इन प्लॉटों की संख्या में आगे 2 लाख से ज्यादा आवेदन, बहुत जल्द आपको स्कीम का रिजल्ट का भी अपडेशन हम बहुत जल्द आपको अपडेट करेंगे, जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जनाब आपको इससे पहले हम ये बता दें कि जो ये स्कीम जब लॉन्च हुई थी उसमें जिस तरीके के चेंजेस लाने का प्रावधान किया जा रहा था और सोशल मीडिया पे भी इसकी खबरें आ रही थी कि प्लॉट्स अब हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे इसमें, लेकिन जनाब आपको ये बता दें, यूपी रेरा की वजह से या हम कहें जो जितनी भी जमीन थी उसका जो अथॉरिटी की तरफ से किसानों के साथ जो प्रस्ताव रखा गया था उसकी मंजूरी ना मिलने के कारण ये जो प्लॉट्स है इसकी स्कीम के जो नंबर ऑफ प्लॉट्स है वो उस समय पर बढ़ाए नहीं गए थे। लेकिन अब इस वक्त का अपडेशन आपको दे देते हैं, ईडा क्षेत्र में नए सेक्टर बसाने के लिए जमीन की बांधा दूर। आपको ये बता दे, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के नए सेक्टर बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण की बाधा दूर हो गई है। कैबिनेट से 5% से अधिक भूमि खरीद की अनुमति मिलने के बाद प्राधिकरण के 40 गांव की 6000 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहित करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे शासन को भेजा जाएगा। जिले में सचिव क्षेत्र का अधिकतम 5% जमीन अधिग्रहण की सीमा पहले ही पूरी होने के कारण प्राधिकरण अपने फैसले पर आगे नहीं बढ़ सका था। जिला प्रशासन की ओर से जिले से महत्वपूर्ण विकास परियोजना को देखते हुए शासन को प्रस्ताव भेजकर अधिग्रहण का अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 20% करने का आग्रह किया गया था। इस पर बीते दिनों शासन से स्वीकृति दे दी। अधिग्रहण के लिए प्रदेश सरकार से यमुना प्रधीन को 3000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया है। प्राधिकरण को इसके बराबर राशि अपने संसाधन से जुटानी है। इसके लिए प्राधिकरण ने पिछले दिनों आवासीय एवं शहरी विकास निगम हुडको के साथ अनुबंध किया गया। हुडको से प्राधिकरण को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। नियोजित सेक्टर विकसित होंगे। अब आप ये सुन लीजिए, प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 में नियोजित सेक्टर के लिए इस भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें सेक्टर 5, 7, 8, 9, 10 और 11 शामिल है। इनमें आप ये भी सुन लीजिए, इन सभी जितने भी सेक्टरों की बात हो रही है इनमें आवासीय मीन्स रेजिडेंशियल, संस्थागत, औद्योगिक और मल्टी पर्पस के आपके उपयोग श्रेणी प्रस्तावित हैं। प्राधिकरण इन सेक्टरों में भूखंड आवंटन की योजनाएं निकालेगा। तो जनाब आपको हम ये बता दें, जिस कारणवश जो भी इंसान जिन्होंने मन बनाया था इन स्कीमों में अप्लाई करने के लिए और किसी कारणवश वो आरपीएस 08 2024 की स्कीम में अप्लाई नहीं कर पाए थे, या फिर हम कहें अब जिस तरीके के नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इस ड्रॉ में बहुत ही ज्यादा आवेदन आए हैं, तो चांसेस जनाब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम चांसेस हर एक इंसान का इसमें देखने को आपको मिलेगा, रिजल्ट जिस तरीके से आएगा। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यमुना अथॉरिटी की तरफ से
2000 नंबर ऑफ प्लॉट्स की स्कीम लगभग आपको नवरात्रि स्पेशल नवरात्रि के समय पे आपको अथॉरिटी की तरफ से देखने को मिलेगी। तो जनाब ये था एक खास महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट अपडेशन जो हमने आपको अपने सब भाई बंधुओं तक पहुंचा दिया है। हम उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त नवरात्रि स्पेशल आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक बहुत ही आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। इसी मनोकामनाओं के साथ इस वीडियो को अभी फिलहाल के लिए यही समाप्त करते हैं और जाते जाते यही कहेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले, जो नए हैं चैनल से जल्द से जुड़ जाए क्योंकि आपको बहुत जल्द इस यमुना अथॉरिटी की क्षेत्र की स्कीमों का अपडेशन जो प्राप्त आप करना चाहते हैं वो इस चैनल के माध्यम से मिलता रहा है और मिलता रहेगा। अभी फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, गुड बाय, धन्यवाद।